विजिटर वीजे पे आके कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं? शिफ्ट है इस बार थोड़ी ना खतरनाक होगी, स्लीप स्लूप नहीं है हमारे पास। तो अभी यहाँ से सारी रात चलाना है 800 किलोमीटर और पूरी बसें पड़ी है भाई, पर अभी 300 किलोमीटर रह गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक नए ट्रैकिंग व्लॉग में। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम टीम में जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिप थोड़ा छोटा है। यहाँ से कैलगरी से एडमिंटन, एडमिंटन से वापस विनीपेग। तो बस यही ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर का ट्रिप है। तो हम लगा रहे हैं टीम में, क्योंकि जो हमारी डिलीवरी के टाइमिंग है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो अकेले में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए साथ में एक बंदा लेके जाना है। मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ बंदे से, नए हायर किया है टीम कंपनी ने, तो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है और वहाँ जाके यार्ड में करते हैं प्लान भी किस तरीके से जाना है आगे, कैसे कैसे शिफ्ट लगानी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद टीम में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो टीम में मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता हूँ, क्योंकि यार खुद का जब हम इंडिविजुअल जाते हैं सिंगल में, तो अपने ट्रक में बंदा थोड़ा खुल के बैठता है ना, कोई काम करता है तो सोचना नहीं पड़ता कुछ, पर जब टीम में होते हैं तो साथ वाले बंदे के लिए भी सोचना पड़ता है, उसको भी रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है, कि क्योंकि वो बंदा भी हमारे साथ काम कर रहा है, थका हुआ है तो वो सो रहा है, तो हमें भी गाने गुने हमारे बंद करने पड़ेंगे। तो सिंगल में वो सब चलता है, तो सिंगल में नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि खड़े ट्रक में सोते हैं, और टीम में हमें चलते हुए ट्रक में सोना पड़ता है, तो वो सारे आज मसले थोड़े करने पड़ेंगे। पर कोई ना, दो शिफ्टें लगानी है छोटी छोटी, पर लगा लेंगे भाई, कोई चक्कर नहीं है। तो मिलते हैं अभी यार्ड में सीधा। तो भाई, वो जब यार्ड में आके ट्रेलर की इंस्पेक्शन की और ट्रक की इंस्पेक्शन की, तो ट्रेलर के टायरों में हवा कम थी, तो मैकेनिक वही था, तो उसने चेक कर लिया और हब ऑयल भी डालने वाला था वो भी डाल दिया, तो वो अभी रेडी कर लिया। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और इस बार टीम में जा रहे हैं। टीम में हमारे साथ बंदा है दिल्ली से, जिसकी एज है 45 ईयर्स, और भाई के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो निकलते हैं यहाँ से और अभी सर चलाएंगे थोड़ा टाइम, 12 बजे तक रात के, और रात के 12-1 बजे के बाद ट्रक पकड़ लूँगा मैं। तो पर अभी मेरे को नींद नहीं आ रही, तो थोड़ी मुश्किल होगी शिफ्ट, क्योंकि मैं सुबह उठा ही 11 बजे हूँ, तो अभी मेरे को नींद नहीं आ रही, तो रात को थोड़ा धक्का करना पड़ेगा। कॉफ़ी उठाएँगे पंप से और निकलेंगे फिर। पर चलो कोई ना, ये छोटा ही ट्रिप है, यहाँ से कैलगरी से एडमिंटन, और वहाँ से हमारी वापसी है। ये देखो भाई, रैंगलर खड़ी बाइक की, रूबिकॉन। तो निकलते हैं भाई यहाँ से बह बह के, और भाई भाई से हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि LMIA का क्या सिस्टम होता है, तो उसके ऊपर भी मेरे को पूरा भी पता चल गया है पूरे अच्छे से, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी इस चीज़ में हो वो हमें ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं, तो वो आपको अभी इन्फॉर्मेशन देंगे इस व्लॉग में साथ साथ में, तो बने रहो। पर्दे लगाए हैं आज बड़े टाइम बाद, पीछे बैठा हूँ मैं अपने बंक में, और पर्दे मैंने खोल के रखे हुए थे बेड के नीचे, मैट्रेस पे रखे थे, कुछ ऊपर रखे हुए थे, और आज बड़े दिनों बाद लगाए हैं, क्योंकि आगे का टेम्परेचर भाई को कुछ और चाहिए, और पीछे मुझे कूलिंग करनी थी सोने के लिए, तो इसलिए मैंने फिर पर्दे लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे फिर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा थोड़ा, और बाहर से लाइट भी आ रही थी तो सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी अगर लाइट बंद करूँगा तो प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा, पीछे अपना रूम बन गया अलग से, थोड़ी प्राइवेसी हो जाती है, तो इसलिए पर्दे फिर से इंस्टॉल कर दिए आज। ये देखो भाई, ये हमारा पीछे बंक एरिया होता है, इसमें हमारा बेड बुट लगा है, कंबल कुंबल लेके हम बैठे हैं अच्छे से, और ये हो गया बीच में थोड़ी जगह हो गई खड़े होने के लिए, और ये ऊपर तक पर्दे लग गए, और अभी हमने पीछे लाइट्स ऑन कर रखी हैं, तो आगे का व्यू अभी अलग हो गया, क्योंकि आगे से लाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो अभी हम यहाँ से अगर लाइट बंद कर दूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा। तो ये भाई ब्रेक लेने के लिए रुका था, और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं नीचे उतर के व्यू इंजॉय करने लगा, और देखो व्यू भी। चाय लाटे उठा ली है हमने, पहले यार गलत ड्रिंक दे दिया उन्होंने, पता नहीं पानी सा बना के दे दिया, जब मैंने एक सिप लिया ना, मुझे लगा यार ये चाय लाटे ऑर्डर किया था वो, उसमें तो फ्रोथ होती है और दूध सा होता है ऊपर, तो बाद में मैंने उससे पूछा यार कौन सी है, वो कहता है ये चाय टी है, मैंने कहा नहीं नहीं भाई चाय लाटे चाहिए, तो अभी चाय लाटे ले लिया हमने टिम हॉर्टन वाली, और चलते हैं अपने ट्रक की ओर, और रात को आएगी हमारी शिफ्ट, तो बह बह के निकलेंगे। शिफ्ट है इस बार थोड़ी ना खतरनाक होगी, स्लीप स्लूप नहीं है हमारे पास, ऐसी बस एक आधी और चाय उठा लेंगे रास्ते से, और 400 चल रही है काम भाई, सवेरे लोड लाना है वहाँ पे 8 बजे। इस ट्रक की शेप देखो भाई कैसी है,
कि मैक लग रहा है मैक। हाँ भाई जी को तो नींद आ गई भाई 11 बजे और अभी हमारे हाथ में आ गई कमांड, रजाइना ही पहुँचे हैं अभी भाई, कोई ज़्यादा वाट भी नहीं आया, 800 किलोमीटर पड़ा है अभी कैलगरी यहाँ से, और अभी सारी रात जाग के मुझे सुबह 8 बजे तक वहाँ पहुँचाना है। रोड के ऊपर ही बस पुल कर रखा है ट्रक और अभी लॉग बुक चेंज कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से सारी रात चलाना है 800 किलोमीटर और सुबह हमारी 8 बजे डिलीवरी है विनीपेग में, तो किसी भी हालत में डिलीवरी टाइम पे करनी है, उसके बाद पिकअप है एडमिंटन से। पर चलो कोई ना, एक्सप्रेसो शॉट डलवाते हैं कॉफ़ी में, 2-3 कॉफ़ियाँ पीनी पड़ेंगी और तो कुछ नहीं है, और लगाते हैं फ़ोन इंडिया में यारों दोस्तों को, टाइम टपाते करते हैं सारा सफ़र कम्प्लीट। थोड़ा मुश्किल होता है यार ऐसे जब आपका स्केड्यूल दिन का बनाओ ना, दिन में आप ट्रक चलाते हो तो रात को सोने के टाइम पे चलाने को आपको पड़े तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी आज मजबूरी है, करना पड़ेगा, तो मिलते हैं सुबह ही। अब बस ही पड़ी है भाई, पर अभी 300 किलोमीटर रह गया, चलाना पड़ेगा, पूरा करना है, और यहाँ पे 300 के बाद उतारना और 300 और जाना है आगे। आज तो पूरी बाट लगी पड़ी है, अभी कॉफ़ी कुछ उठाते हैं, एक एनर्जी वाली होती है ड्रिंक सी, वो उठाते हैं फिर निकलते हैं आगे। आज तो भाई यही बचाएगी हमें, लार्ज उठाएं या मीडियम, मीडियम ठीक रहेगा, काफ़ी 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 काम आएगी आज, काफ़ी मीडियम हाउस रिजर्व लीव रूम फॉर कॉफी फ्रेश ब्रू, ये भाई हमें यहाँ पे फ्री में मिल जाती है, फ्री तो नहीं, हमें पॉइंट मिल जाते हैं, तो पॉइंट्स यूज करके हम कॉफ़ी कॉफ़ी ले लेते हैं, तो ये $1.5-2 की होती है और इतने तो पॉइंट होते ही है हमारे पास, जब भी तेल डलवाते हैं तो थोड़े पॉइंट मिल जाते हैं, उनसे ही ले लेते हैं हम ये, काफ़ी काफ़ी। बस दूध भी डालना है भाई, दूध भाई ऐसे पड़े होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिरप डाल सकते हैं, जैसे वनीला सिरप डाल लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे शुगर और ये दूध वूध पड़े होते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं इजीली, इसमें है भी कुछ, इसमें कुछ नहीं है भाई, हेज़लनट, हेज़लनट है थोड़ा। भाई पूरी इंडियन चाय बन गई, यहाँ मैंने देखा था 18% वाला भी था यहाँ पे क्रीम और दूध, तो अभी इसको रखते हैं माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव का उनका हाँ, क्योंकि जो दूध है ना वो ठंडा डाला है हमने, तो ठंडी है, इसको अभी झटका मराते हैं 1.5 मिनट पे, और उसके बाद शू मंत्र हो जाएंगे यहाँ से। ये लो भाई माइक्रोवेव ही ख़राब है, किस्मत ही ख़राब है भाई अपनी, इसकी बात कर रहा था भाई मैं, ये होता है 5 आवर्स एनर्जी, तो ये शॉर्ट सा ले लेंगे हम, ये काम आएगा हमारे, इसमें अलग अलग फ्लेवर मिल जाते हैं, और ये $5 का है, बड़ा महंगा यार, चलो कोई ना, ये भी आज ट्राई करते हैं काम करता है कि नहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है या नहीं, पहले पीते हैं कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी से काम चल गया तो वेल एंड गुड है, तो नहीं तो फिर शॉर्ट तो हमारे पास है ही। शुरू से बात करें तो सबसे पहले आपके पास विजिटर वीज़ा होना चाहिए कनाडा का, विजिटर वीज़ा वो होता है कि मेरे को घूमने फिरने के लिए कनाडा जाना है, तो वो आपके पास ज़रूरी है, वो 10 साल का लग जाता है, उसके अंदर आप 6 महीने लगातार कनाडा में रह सकते हो, उसके बाद आपको 1 दिन के लिए चाहे कंट्री आउट कर लो, साथ में यूएसए पड़ता है,
वहाँ चले जाओ या फिर अपना वापस इंडिया चले जाओ, और कंट्री आउट करने के बाद आपका 6 महीने रीन्यू हो जाता है, आप फिर 6 महीने आ सकते हो कनाडा के अंदर। एक बार अगर आप विजिटर वीज़े पे कनाडा में आ गए हो तो आते ही पहला स्टेप जो आपने करना है वो है लाइसेंस बनाना। लाइसेंस बनाने के लिए जो सबसे सही प्रोविंस है वो है अंटारियो, जिसे हम स्टेट कह देते हैं, यहाँ पे प्रोविंस कह देते हैं। तो अंटारियो सबसे बेस्ट स्टेट है जहाँ पे लाइसेंस बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही ईजी वे है बनाने का। तो जब आप इंडिया से आ रहे हो, अपना इंडिया का एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में लेके आओ, अपना जो कार्ड वाला लाइसेंस होता है वो लेके आओ, वो यहाँ पे शो करो आप। तो शो करोगे तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका एक स्टेप और आपको स्टेप मिस हो जाएगा और आपको थोड़ा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, जो बीच में वेटिंग पीरियड होता है वो आपका स्किप हो जाएगा। तो पहला स्टेप है लाइसेंस बनाना। लाइसेंस स्टार्ट होता है G1 से। G1 एक रिटन एग्ज़ाम होता है, वो देने के बाद आपको G2 नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सीधा आप दोगे G, और उसमें भी आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। विद इन लाइक आज आपने G1 दिया तो कल आप G दे सकते हो। एक बार आपके पास जी लाइसेंस बन गया, उसके बाद आपको एयर ब्रेक का क्लास लगानी पड़ेगी, एयर ब्रेक का सर्टिफिकेट चाहिए, बाद में आपको उसको एंड्योर्स करा लेना अपने जी के साथ, तो उसको कहते हैं GZ। और एक बार आपके पास GZ बन गया तो आपको ए लाइसेंस लेना है। ए होता है ट्रक का लाइसेंस, उसके लिए आपको स्कूल में लगना पड़ता है, स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा। वहाँ पे एटलीस्ट आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, उतने घंटे आपको स्कूल में सीखना पड़ेगा, वो ऐसे ही चल जाते हैं, बना देते हैं अपने ब्रैम्पटन वाले हैं बहुत। तो उसके बाद आपको रोड टेस्ट देना है ट्रक का, रोड टेस्ट देने के बाद आपका ए लाइसेंस बन जाएगा, तो वो होता है AZ। तो AZ जो होता है वो ट्रक के लाइसेंस को कहते हैं। तो एक बार लाइसेंस आपके हाथ में आ गया तो आपका नेक्स्ट काम है एम्प्लॉयर ढूंढने का, जो बंदा आपको काम दे सके, खासकर ट्रक का काम, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रक का लाइसेंस बनाया तो ऑब्वियसली ट्रक का काम करोगे। और ये ट्राई करो कि मैनिटोबा प्रोविंस में एम्प्लॉयर ढूंढो, क्योंकि यहाँ के थोड़े रूल्स हैं ना जो वो बाकी स्टेट से अच्छे हैं। यहाँ पे जल्दी PR मिलती है और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर आएँ और उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए। तो ये प्रोविंस में मैनिटोबा विनीपेग में आपको जॉब ढूंढने के ज़्यादा फायदे हैं, यहाँ जॉब ढूंढो। और जब आपको एम्प्लॉयर मिल गया और वो एम्प्लॉयर आपको LMIA भी दे रहा हो, ये भी देखना है कि वो एम्प्लॉयर ऐसे नहीं ढूंढ लेना है, उससे बात करनी है कि मेरे को भाई LMIA चाहिए, मैं वर्क परमिट पे हूँ, सॉरी उस पे हूँ, विजिटर वीज़े पे हूँ। उसके बाद आप उसका एम्प्लॉयर का वकील होता है, उससे बात कर सकते हो। तो आपको वर्क परमिट चाहिए होगा, तो उसके लिए आप US कनाडा के बॉर्डर पे जाओगे, वहाँ जाके आप बॉन्डेड वर्क परमिट आपको मिल जाएगा 3 साल का, जो कि एम्प्लॉयर के साथ में होगा, ठीक है। क्लोज्ड वर्क परमिट या कि आप हर किसी एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते कहीं पे भी अपनी मर्जी से, एक एम्प्लॉयर लेके उसके साथ में ही आपको रहना पड़ेगा जब तक आप PR नहीं होते। तो अभी आपके पास बॉन्डेड वर्क परमिट भी है और आपको एम्प्लॉयर भी मिल गया जो आपको LMIA प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने कंपनी के साथ काम करना शुरू कर देना है। उसके बाद आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस डालना है, और इस टाइम के दौरान आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, अगर आपकी वाइफ है तो आप उन्हें ओपन वर्क परमिट पर बुला सकते हो। तो इसके बाद आपने 6 महीने जब डन कर लिए कंपनी के अंदर, तो आपको जो हमारे तरह जो कॉमन प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, अपनी PNP अप्लाई कर देनी है। और आपकी PNP जो लेती है टाइम अप्लाई होने के बाद 4 से 6 महीने वो अप्रूव होकर जाती है, उसके बाद आप फेडरल लगा दोगे, फेडरल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाओगे। और अगर आप PR हो गए तो उसके बाद आपको उस एम्प्लॉयर के साथ जुड़ी नहीं है कि उसके साथ ही काम करना है, आपको अगर वो सही लग रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। और आप जरूरी नहीं है कि विनीपेग में रहना है, कौन सी भी प्रोविंस, मतलब कि खुले शेर बन जाओगे, कौन सी मर्जी प्रोविंस में रहो, कौन सा मर्जी काम करो, ट्रक का करना है ट्रक करो, कोई और काम करना है और काम भी कर सकते हो। तो विजिटर से आके परमानेंट रेजिडेंसी 2.5 से लेके 3 साल का प्रोसेस है ऑलमोस्ट, डिपेंड करता है कि आपका जो काम है वो कितनी जल्दी हो रहा है, आपकी PNP कितनी जल्दी आ रही है, फेडरल का रिजल्ट कितनी जल्दी आ रहा है। और उसके बाद अगर आप PR हो गए तो अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला के उनकी पढ़ाई जो 12th grade तक है, 12th class तक, वो फ्री में होगी। और ये था सारा प्रोसेस विजिटर वीज़े पे आके परमानेंट रेजिडेंसी लेने का। और एक चीज़ और बताना भूल गया, एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे LMIA बेचते हैं 20,000 से लेके $30,000-$40,000 में, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो वो बेचना और ख़रीदना दोनों इलीगल है, ढूंढो ऐसा एम्प्लॉयर जो आपको फ्री में LMIA दे रहा हो, आपके थोड़े कॉन्टैक्ट बनाओ और फिर ढूंढो, और अगर आपको वो मिल गई तो बहुत सही बात है। पर यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि बेच देते हैं और बाद में पे से थोड़े थोड़े पैसे काटते रहते हैं जब तक बंदा PR नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है, इससे थोड़ा बचना, अपने वकील से बात कर लेना पहले जो आपको ये सारी फाइल का सारा देखने वाला है। और इसमें IELTS का बताना भूल गया कि जो IELTS है वो विजिटर वीज़े पे आपको इंडिया से नहीं चाहिए, जब आपको मैनिटोबा में आके PNP अप्लाई करनी है तब आपको IELTS का टेस्ट देना है, और वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसमें चाहे आपके 4, 5, 6 जितने भी बैंड आ गए वो ओके है, क्योंकि आप तो अभी कनाडा में ही हो,
तो वो जितने ज़्यादा आ जाएंगे उतना अच्छा है, उतनी जल्दी आपकी PNP वगैरह अप्रूव हो जाएगी, उतनी जल्दी आप PR हो जाओगे। अगर जितने कम है तो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। तो ये सारा प्रोसेस है, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी इस चीज़ के ऊपर। और भाई अभी आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपके पास में भी कोई बंदा है ना, उसके फ़ोन में रहना नहीं चाहिए, फ़ोन पकड़ पकड़ के लव ट्रक की सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक टेक केयर।